क्लास माई सेल्फ अजय मर्मट नर्सिंग ट्यूटर ऑफ इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर. टुडे आई एम गोइंग टू टेक माई क्लास एंड स्टेज ऑफ रिनल डिसीज. एंड स्टेज ऑफ रिनल डिसीज को हम किडनी डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज भी बोलते हैं. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंड स्टेज ऑफ रिनल डिसीज. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे एंड स्टेज रिनल डिसीज इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन किडनी चीज फंक्शनिंग ऑन अ परमानेंट बेसिस लीडिंग टू द नीड फॉर अ रेगुलर कोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डायलिसिस और अ किडनी ट्रांसप्लांट टू मेंटेन लाइफ. एंड स्टेज ऑफ रिनल डिसीज क्या है? ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि किसी भी इंसान की किडनी फंक्शनिंग करना कम कर देती है, जो कि परमानेंट बेसिस लीडिंग नीड, जो कि प्रॉपर नीड के हिसाब से कम हो जाता है. अ रेगुलर कोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डायलिसिस और अ किडनी ट्रांसप्लांट टू मेंटेन लाइफ, जिसमें कि रेगुलर बेसिस पर डायलिसिस करवाना पड़ती है और किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के भी चांसेस रहते हैं. इन किडनी मास कैन नो लॉन्गर मेंटेन द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट, रीनल फेल्यूर इज द रिजल्ट. दिस इज लेबल्ड स्टेज 5 सीकेडी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड रीनल डिसीज. सीकेडी कैन डेवलप इंसीड्यूसली ओवर मेनी ईयर्स और इट मे रिजल्ट फ्रॉम एन एपिसोड ऑफ ARF फ्रॉम विच द क्लाइंट हैज नॉट रिकवर्ड. द इंसिडेंस ऑफ ESRD वेरियस वाइडली बाई स्टेट एंड कंट्री. इन द यूनाइटेड स्टेट द इंसिडेंस इज 338 न्यू केस पर मिलियन पीपल. टू द US रीनल डाटा सिस्टम एट द एंड ऑफ 2003 टोटल ऑफ 441051 पीपल वर बींग ट्रीटेड फॉर एंड स्टेज रीनल डिसीज. अप्रोक्सीमेटली 28% हैव अ फंक्शनिंग ट्रांसप्लांट एंड 5.7 आर अंडरगोइंग. दिस पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट वेरियस वाइडली ग्लोबली. देन वी विल सी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज. हम देखेंगे एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज की डेफिनेशन. एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज की डेफिनेशन में आता है एंड स्टेज रीनल डिसीज ऑल्सो कॉल्ड एंड स्टेज किडनी डिसीज, किडनी फेल्यूर अकर व्हेन क्रोनिक किडनी डिसीज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन. इसमें बहुत बड़ा लॉस होता है किडनी फंक्शन को. रीचेस एंड एडवांस स्टेज, जो कि एक एडवांस स्टेज पर पहुँचती है. इन एंड स्टेज रीनल डिसीज योर किडनी नो लॉन्गर वर्क. एक इसमें किडनी एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज में ऐसा होता है जिसमें कि किडनी लंबे समय तक वर्क नहीं कर पाती, कोई फंक्शन नहीं कर पाती है. एज द शुड टू मीट योर बॉडी नीड्स, जो कि आपकी बॉडी की नीड्स के हिसाब से वर्क नहीं कर पाती है. देन एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज में किडनी का वर्कअप पूरा कम हो जाता है. बॉडी मेंटेन नहीं, बॉडी को जो नीड होती है उसके हिसाब से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है किडनी. ऑफ ESRD के कॉजेज क्या क्या है? टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलो लो नेफ्रोटिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी फिल्टरिंग यूनिट ग्लोमेरुलाई, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, द यूरिनरी ट्रैक्ट फ्रॉम कंडीशन सच एज इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, इनलार्ज्ड प्रोस्टेट होने के कारण भी किडनी स्टोन्स एंड सम कैंसर्स. किडनी स्टोन्स एक मुख्य कारण है एंड सम कैंसर्स. वेसिकुलोरेटल रिफ्लेक्स अ कंडीशन दैट कॉज यूरिन टू बैक टू इन टू योर किडनी. एक वेसिकुलोरेटलर रिफ्लेक्स होता है जिसमें कि क्या होता है कि वो बैक फ्लो करती है यूरिन को किडनी में, उसके कारण भी एंड स्टेज ऑफ रिनल डिसीज होने का कॉज है. रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन ऑल्सो कॉल्ड पाइलोनेफ्राइटिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनीज ट्यूबुल्स एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर, पॉलीसिस्टाइटिस किडनीज डिसीज और अदर इनहेरिडिटी किडनी डिसीज प्रोलोंग्ड. देन इन चैप्टर 30 इन वेरियस इंजुरीज एंड डिसीज प्रोसेसेस दैट मे रिजल्ट इन किडनी फेल्यूर वर डिस्कस्ड. क्रॉनिक ग्लोमेरुलो
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टाइटिस किडनी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन रिपीटेड एपिसोड ऑफ एंड नेफ्रोटॉक्सिन एग्जाम्पल फॉर सिस्टमेटिक डिजीज सच एज डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन ऑल्सो अपन अभी ऊपर वाले पॉइंट में बात की हमने सिकल सेल डिजीज एंड एम्ब्लियोडियासिस में प्रोसीजर सीखे. डायबिटिक मेलाइटिस इज द लीडिंग कॉज एंड अकाउंट्स फॉर मोर देन 30% ऑफ क्लाइंट हु रिसीव डेली डेलीसिस हाइपरटेंशन इन द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ ESRD. टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ CKD द क्लाइंट शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड शुड रिसीव एडिक्वेट ट्रीटमेंट टू कंट्रोल और स्लो द प्रोसेस ऑफ दिस प्रॉब्लम बिफोर दे प्रोग्रेस टू ESRD. सम कंडीशन सच एज ल्यूपस एंड डायबिटिक मेलाइटस कैन प्रोग्रेस टू किडनी फेलियर डिस्पाइट क्लोज ट्रीटमेंट एंड दिस इज द कॉजेज ऑफ ESRD. देन हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CKD. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ESRD में हम देखेंगे सबसे पहले सिस्टमिक हाइपरटेंशन हुआ उसके कारण होगी किडनी इंजरी में वस्कुलेचर एंडोथेलियल डिसफंक्शन डिस्टेंशन होगा एंडोथेलियल सेल डैमेज होगी. देन ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन होगा ग्लोमेरुलर सेल हाइपरट्रॉफी होगी. ट्यूबुल में ट्यूबुल डैमेज होंगे ट्यूबुलर सेल इंजरी होगी. इंटरस्टीटियम इन्फ्लामेशन होगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा जो कि कॉज करें क्रोनिक किडनी डिजीज प्रोग्रेशन को. एट्रियोस्क्लेरोसिस ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस ट्यूबुलर एट्रोफी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देन होगा एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज. इसको हम डिस्क्राइब में देख लेते हैं थोड़ा सा. जैसे कि द पैथोजेनेसिस ऑफ ESRD इन्वॉल्व डिट्रियोरेशन डिटेरियोशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेफ्रॉन्स विथ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन इज द टोटल GFR डिक्रीज एंड क्लियरेंस इज रिड्यूस्ड. सीरम यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल इज क्रीज रिमेनिंग फंक्शनिंग. नेफ्रॉन्स हाइपरट्रॉफी एज दे फिल्टर अ लार्जर लोड ऑफ सॉल्यूट्स. अ कॉन्सिक्वेंस इज दैट द किडनी लॉस देयर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन एडिक्वेटली टू कंटिन्यू एक्सक्रीटिंग. द सॉल्यूट्स आर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट यूरिन मे बी पास्ड which makes the client susceptible to fluid depletion. The tubules gradually lose their ability to reabsorb electrolytes. Occasionally the result is salt wasting in which urine contains large amount of sodium which lead to more polyuria. As renal damage advance and number of functioning nephron decline, the total GFR decrease further. Does the body become unable to rid itself of excess water? जब body हमारी excess water, salt and other waste product through the kidney नहीं कर पाएगी तो उसके कारण भी होता है. When the GFR is less than 10 to 20 ml, जब GFR 10 to 20 ml होगा and the effect of uremic toxins of body become, जब uremic toxins effect करेंगे body को. If the disease is not treated by dialysis, उस समय में disease treated नहीं हो पाएगी dialysis के द्वारा transplantation needed हो जाएगा. The outcome the ESRD is uremia and death. And इसके बाद हम देखेंगे symptoms of ESRD. जैसे कि सबसे पहला symptoms nausea होगा vomiting लॉस ऑफ एपेटाइट फटीक एंड वीकनेस होगा चेंजेस इन हाउ मच यू यूरिनेट यूरिन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे चेस्ट पेन होगा फ्लूड बॉडी फ्लूड अराउंड द लाइनिंग ऑफ द हार्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट पे बॉडी फ्लूड कलेक्ट होने लग जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी. इफ फ्लूड बिल्ड अप इन द लंग्स
स्वेलिंग ऑन फीट एंड एंकल्स, पैरों पर और एंकल्स पर स्वेलिंग होगी, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, हाइपरटेंसिव रहेगा, डेट ऑफ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जो कि डिफ़िकल्ट होगा कंट्रोल करना, हेडेक्स, कंटिन्यू हेडेक्स होंगे, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग में, सोने में डिफ़िकल्टी होगी, डिक्रीज मेंटल शार्पनेस होगा, मसल ट्विचेस एंड क्रेम्स, प्रसिस्टेंट इचिंग, मेटालिक टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस अपसेट बाय इम्पेयर्ड एक्सप्रेशन एंड यूटिलाइजेशन इन द किडनी, ऑल टू मेनी ग्लाइंट मेंटेन नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, द सॉल्ट वेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सम फॉलिंग किडनीज इन एडिशन ऑफ वोमिटिंग डायरिया में कॉज हाइपरनेट्रेमिया अपेटमेंट हाइपोनेट्रेमिया मे बी डाइल्यूशन एफर्ट ऑफ वाटर रिटेंशन लेट इज द डिसीज सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन ऑफन कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेल्यूर इसके कारण भी हो सकता है एंड देन सिम्टम्स ये भी सिम्टम्स होते हैं देन मेटाबोलिक चेंजेस दिखेंगे इन एडवांसिंग रीनल फेल्यूर लेवल ऑफ बी यू एन एंड सीरम क्रिएटिन इन इंक्रीज इन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबोलिक एक्यूमुलेट इन द ब्लड द सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज द सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज द मोस्ट एक्यूरेंट मेजर ऑफ रीनल फंक्शन द नॉर्मल रेशियो ऑफ वन टू क्रिएटिनिन इज एंड इट रिमेन द सेम एज बोथ क्रिएटिनिन लेवल द प्रोटीन यूरिया एकोमेपेनिंग रीनल डिसीज एंड समटाइम्स इनएडिक्वेट डाइट्री एंड प्रोटीन कॉज हाइपोनेट्रेमिया इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे और मतलब हेमाटोलॉजिक चेंजेस आएंगे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस भी दिख सकते हैं द एंटेरिक गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम इज अफेक्ट ट्रांसिएंट एनोरेक्सिया नोजिया एंड वोमिटिंग आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल क्लाइंट ऑफ एक्सपीरियंस अ कंसेंट बिटर मेटालिक और सॉल्टी टेस्ट एंड देयर ब्रीथ कॉमनली स्मेल एंड फीट फिशली एमोनिया लाइक देन इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस कार्डियोवास्कुलर चेंजेस बिटवीन 50 to 65% अकर ड्यूरिंग एस आर डी रिजल्ट फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन द मोस्ट कॉमन क्लिनिक मैनिफेस्टेशन हाइपरटेंशन मे ऑल्सो बी द कॉज ऑफ रीनल फेल्यूर हाइपरटेंशन इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द फॉलोइंग एंड इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस रेस्पिरेटरी चेंजेस लाइक दैट सम ऑफ रेस्पिरेटरी इफेक्ट सच इज पल्मोनरी एडिमा कैन बी एट्रीब्यूट टू फ्लूड ओवरलोड प्लूराइटिस इज अ फ्रिक्वेंट फाइंडिंग स्पेशली वेन पेरिकार्डियाटिस डेवलप कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन कॉल्ड यूरेमिक लंग इन टाइप ऑफ न्यूमोनियाटिस रिस्पॉन्स वेल टू फ्लूड रिमूवल मेटाबोलिक एसिडोसिस कॉज अ कंपनसेटरी इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एज द लंग्स वर्क एलिमिनेट एक्सेस हाइड्रोजन लॉस न्यूरोलॉजिकल चेंजेस रिप्रोडक्टिव चेंजेस इंट्राक्यूमेट्री चेंजेस थोड़ा सा हम न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में डिस्कस कर लेते हैं ऑल दो डायलिसिस है रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस सम क्लाइंट एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम अर्ली इन डिसीज प्रोसेस देन रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंडोक्राइन चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसके बाद हम आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम क्या क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बी यू एन क्रिएटिनिन फॉस्फेट कैल्शियम कॉम्प्लीमेंट ब्लड काउंट सीबीसी कॉम्प्लीट ब्लड काउंट सीबीसी सॉरी यूरिन एनालिसिस इंक्लूडिंग यूरिनरी सेडिमेंट एग्जामिनेशन क्वांटिटेटिव यूरिन प्रोटीन कलेक्शन और स्पॉट यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो अल्ट्रासोनोग्राफी समटाइम्स रीनल बायोप्सी ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमको क्या कराना है सीबीसी करवाना है क्रिएटिनिन करवाना है डेली बेसिस पे जिससे कि हमको किडनी की फंक्शनिंग का पता लगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन करवाना है
क्वांटिटेटिव यूरिन प्रोटीन करवाना है, कलेक्शन और स्पॉट यूरिन प्रोटीन करवाना है, क्रिएटिनिन रेशियो करवाना, अल्ट्रासोनोग्राफी, सम रीनल बायोप्सी, रीनल बायोप्सी भी सम टाइम जरूरत पड़ सकती है। देन हम आते हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? कंट्रोल ऑफ अंडरलाइन डिसऑर्डर, सबसे पहले हमको करना है अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर पर कंट्रोल। पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी प्रोटीन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम, विटामिन डी सप्लीमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया का ट्रीटमेंट करना है, एनीमिक होगा तो ज़्यादा दिक्कतें आएंगी किडनी में, विटामिन डी सप्लीमेंट देना है, ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग कॉम्प्लिटाइटिस, देन नेफ्रोलिथियासिस, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, डोसेज ऑफ ऑल ड्रग एडजस्टेड इज नीडेड, डायलिसिस फॉर सीवियरली डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो रहा है तो डायलिसिस करवानी, सीवियर एंड सिम्टम्स एंड साइन नॉट एडिक्वेटली मैनेज्ड बाय मेडिकल इंटरवेंशंस, मेंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट लेवल इन द नॉर्मल रेंज 23-29 mmol/L, हमको मेंटेन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट। और मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है इसका? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट डज नॉट क्योर CKD, बट इट में स्लो द प्रोग्रेसिव ऑफ द डिसीज, इवेंचुअली में मेनी क्लाइंट नीड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हाउएवर इवन सक्सेसफुल डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन डज नॉट प्रीक्लूड द पोटेंशियल फॉर डेथ फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल फेल्यूर और इट्स ट्रीटमेंट। आफ्टर करेक्टिंग पॉजिटिव फैक्टर, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, मैनेजिंग लिपिड फ्लूड एंड डाइट्री एडजस्ट मेंटेन्स एंड ब्लड शुगर कंट्रोल फॉर डायबिटिक क्लाइंट आर द मेन स्टेज ऑफ कंजर्वेटिव इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट विथ CKD। फॉलोइंग आर द गोल टू प्रिजर्व रीनल फंक्शन, टू डिले द नीड ऑफ डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन एंड एलिविएट एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, इम्प्रूव बॉडी केमिस्ट्री वॉल्स वैल्यूज, प्रोवाइड इज ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट से क्या हो सकता है? इसके ट्रीटमेंट में हम सर्जिकल मैनेजमेंट में देखेंगे कि रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज अ सर्जिकल इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन किडनी फ्रॉम अ कॉम्पेटिबल डोनर इज अ रिसिपिएंट, दिस प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड एज एन इंटरवेंशन इन स्टेज ऑफ 5 CKD, द किडनी इज सर्जिकली प्लेस्ड एक्स्ट्रा पेरिटोनियली इन द इलियक फोसा, द रीनल आर्टरी इज एनास्मोस्ट टू द रेसिपियंट, हाइपोगैस्ट्रिक रीनल इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड द रीनल वेन इज एनास्टोमोस्ट टू द रेसिपियंट इलियक वेन, यूजुअली द किडनी बिगिंस टू फंक्शन इमिडिएटली सिलेक्शन। जैसे कि हम देखा मेडिकल मैनेजमेंट, अगर इन केस अगर मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन बचता है रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट इज अ मोस्ट देन इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि इन्फेक्शन एंड एक्टिव मेलिग्नेंसी आर द ओनली एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ट्रांसप्लांट, हाउएवर सम फिजिकल कंडीशन मार्केबली इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्लाइंट विथ लीवर डिसीज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एडवांस्ड एथ्रोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिसीज एंड गेस्टोटिक। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांट सच एज ग्राफ्ट रिजेक्शन, इन्फेक्शन, स्किन, तो ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। देन हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे हार्ट डिसीज, वीक बोन्स,
एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, एनीमिया, डिक्रीज सेक्स ड्राइव, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑफ रिड्यूस फर्टिलिटी, डैमेज टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, विच कैन कॉज डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, पर्सनली चेंजेस और सीजर्स, डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स विच मेक्स यू मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, पेरिकार्डियाइटिस एंड इन्फ्लामेशन टू ऑफ द सिक लाइक मेम्ब्रेन दैट एनवेलप्स योर हार्ट, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन दैट कैरी रिस्क फॉर द मदर एंड द डेवलपिंग फिटस, माल न्यूट्रिशन, इरिवर्सिबल डैमेज टू योर किडनीज, इरिवर्सिबल डैमेज योर किडनीज एंड स्टेज ऑफ रिनल डिसीज, इवेंचुअली रिक्वायरिंग आइदर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट फॉर सर्वाइवल। उसके बाद आता है इन्फेक्शन, स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन के बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं हम ब्लड डिसीज, अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट, बी एक्टिव मोस्ट डेज, लिमिट प्रोटीन एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ न्यूट्रिशन, लो सोडियम फूड्स लेना है, कंट्रोल योर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है, टेक योर मेडिकेशन एज प्रिस्क्रिप्ट, जो कि आपके डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन हुई है मेडिकेशन उनको टाइम टू टाइम लेना है, हैव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक्ड एवरी ईयर कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना है, कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है, डोंट स्मोक और टैबैको प्रोडक्ट्स स्मोक नहीं करना, बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना है, गेट रेगुलर चेकअप करवाना है, और भी सेल्फ केयर हो सकती है, जैसे मैं आपको नॉलेज देता हूँ जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन एंड नॉलेज और क्रिएटिविटी नीडेड टू हेल्प द क्लाइंट फॉलो द रिकमेंडेशन रिगिवन। मेनी क्लाइंट पर्टिकुलरली एडोलसेंट मिस डज टू देयर इन इम्यूनोसप्रेटिव मेडिकेशन, दिस प्रैक्टिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अर्ली लॉस ऑफ रीनल फंक्शन एंड पॉसिबल ग्राफ्ट लॉस। क्लाइंट मे बी रिलक्टेंट टू टेक मेडिकेशंस फॉर मेनी रीजंस, फॉर सम द साइड इफेक्ट्स डिस्टर्ब देयर लाइव्स, अदर मेनी बिलीव दैट दे नो लॉन्गर नीड द मेडिकेशन बिकॉज देयर कंडीशन इज स्टेबल, इकोनॉमिक कंडीशन कंसर्न ऑल्सो नीड टू बी एडवर्स, वर्क विद द क्लाइंट to provide needed information and to develop strategies. Overall, transplant offer client with stage 5 can be much better quality of life than dialysis therapy, renal function, return to many to clinical manifestation. Then हम conclude कर लेते हैं, caring for the client with a kidney failure, whether acute or chronic involves many challenges, numerous physical and psychological manifestation or also associated renal disease treatment. The nurse and significantly client equality of the provision, education, encouragement, promotion, ongoing assessment, client and family. Evaluation of program offering treatment, ESRD, the nurse's collaboration with the multidisciplinary team. Thank you so much.